किसी की भी कहावत सुने ना, हिंदुओं की, मुसलमानों की, अंग्रेजों की, तो जो सबसे अव्वल प्रोफेशन है वो कारोबार है, वो तजारत है। नौकरी और जो खेती बाड़ी है अव्वल तजारत है, फिर खेती बाड़ी है, है? फिर फौज है, फिर नॉर्मल नौकरी है, है? तो ये हिंदुओं की भी कहावतें हैं, सबकी हैं। तो बिजनेस इज ऑलवेज द बेस्ट प्रोफेशन। इसके अंदर इंसान के पास अपनी एक फ्रीडम है टू एक्ट, ही इज हिज ओन मास्टर, ही कैन टेक हिज ओन डायरेक्शंस। और उसका फायदा यह है कि उसकी जितनी भी एबिलिटीज होती है ना, दे कम आउट टू द मैक्सिमम टू डू दिस। सो इसलिए ये कारोबार जो है यही बेस्ट प्रोफेशन है इस एंगल से। और अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इसको वो मुकाम नहीं दिया गया फॉर सम रीजंस। और जब एक माशरा गिर जाता है तो फिर वो उसके जो बाकी जो उसकी सोच है वो भी नीचे चली जाती है। तो मुसलमानों में जो पिछले हजार साल में जो डाउनफॉल आई है उसमें सोच की भी डाउनफॉल है। और सोच की डाउनफॉल में एक चीज जो है वो ये है कि हम कारोबार की बजाय हम नौकरियों में चले गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम में उन्होंने देखा मदीना मुनव्वरा के बाजार में जब बहुत फतूहात हो गई और मुसलमान ने बहुत इलाके फतह कर लिए, तो उन्होंने देखा कि मदीना के बाजारों में कोई मुसलमान ताजर नहीं था, सारे गैर मुस्लिम फरंगी बैठे थे वहां। तो आपने फरमाया कि ये लाल गर्दनों वाले यहां कैसे इतने बैठे हैं, तो मुसलमान किधर गए? तो जो साहब उनके साथ लोग थे उन्होंने कहा कि हजरत अब फतूहात इतनी हो गई है और माले गनीमत इतना आ गया है कि अब हमें तजारत की जरूरत नहीं रही। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को यह सुनकर बहुत रंज हुआ और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम देखोगे कि तुम्हारे मर्द इनके मर्दों के गुलाम हो जाएंगे और तुम्हारी औरतें इनकी औरतों के गुलाम हो जाएंगी। और इस वक्त मुसलमानों का हाल यही है कि हमारा जो तालीम याफ्ता तबका है वो जब मल्टी नेशनल की वो नौकरी करता है जाके, तो एक्चुअली गुलामी काफिर की जाए गुलामी कर रहा होता है, है? तो इसलिए ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, है? कि आपके तो अपने मल्टी नेशनल होने चाहिए, आपके तो अपना ग्लोबल विजन होनी चाहिए। तो जैसे कि ग्लोबल लीडर जो है वो आके हमें मुलाजिम रख रहे हो, तो हमारा काम है ये। जो सूरज सलम की जो उसमें जो उनकी जिंदगी है वो हमारे लिए सबसे बड़ी गाइडिंग लाइट है कि वो बाकी पैगंबरों की तरह ना, वो उनकी तरह इस मामले में नहीं थे, वो ताजरी थे और ताजरी रहे। हजरत खदीजा कुबरा भी तजारत करती थी, साहबा इकराम भी सारे तजारत करते थे। और जिन लोगों ने इस्लामिक रेवोल्यूशन को फंड किया, तलवारें, नेजे, ऊंट, घोड़े, वो सारे ताजर थे, है? वो कोई जैसे हमारी गवर्नमेंट की फंडिंग में से वैसे तो नहीं थे, उसकी सारी फंडिंग जो थी वो तो हुई ताजरों ने की। तो तजारत जो थी ये मुसलमानों की एक किस्म का बेस उसके अंदर थी, सोच के अंदर थी, और दैट इज हाउ इट कंटिन्यूड फॉर क्वाइट सम टाइम। और जो उनकी जो मुसलमानों की और जितने तजारत थी वो ये नहीं थी कि मक्का की मक्का में कर रहे थे, वो मक्का में बैठ के मुल्कों के साथ तजारत करते थे, इम्पोर्ट भी थी एक्सपोर्ट भी थी, उनकी जो डिप्लोमेसी थी वो भी तजारत की थी, उनकी जो रिप्राइजल थी जो इंतकाम लेते थे वो भी तजारत के बेसिस पे इंतकाम लेते थे कि किसी काफले को किसी को रोक दिया, किसी को लूट लिया, जिसको भी जो भी काम किया आपस में, वो सारे ट्रेड बेस्ड थे। जैसे आप इस वक्त आप ट्रेड बेस्ड देखते हैं अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है आजकल आपके सामने है कि आप देख रहे हैं कि ट्रंप क्या कह रहा है और ईयू क्या कह रही है, उसमें तोपें नहीं गिनी जा रही, उसमें ट्रेड गिनी जा रही है। अमेरिका की और चाइना के साथ क्या हो रहा है, चाइना के जो ये जो जो आइलैंड्स हैं जहां पे ये जो स्ट्रेट ऑफ चाइना है इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि वो ट्रेड रूट है, अमेरिकन को फिक्र है अगर चाइनीज इधर आ जाएंगे उनका ट्रेड रूट बंद हो, जापानियों को समझ उनका ट्रेड रूट बंद हो। तो ये जो है ना ट्रेड इज द मिडल ऑफ एवरीथिंग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें,
it started because it started as a trade war and then it escalated into a world war. So isliye trade is at the center of it. Unfortunately, Pakistan aur iski hukumat aur